मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। अब घोषणा होते ही लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी वाले लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के कारण अब गाँवों में चुनाव की गर्माहट बढ़ जाएगी। चौपाल में देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 7 एवं तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी मौजूद रहेंगे। 48 घंटों के पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। चुनाव में 55,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 13 दिसंबर से नामांकन फॉर्म भर मिलेंगे। पहला चरण में 6 जनवरी 2022, दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरा चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई, जो चुनाव परिणाम आने तक रहेगी। यह आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी। पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। बता दें कि रीवा संभाग के 3 जिलों रीवा, सीधी व सतना में तीसरे चरण यानी 16 फरवरी 2022 को मतदान होगा, जबकि सिंगरौली जिले में दूसरे चरण यानी 28 जनवरी को मतदान किया जाएगा। तीन बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए 3 चरण में हमें करने की जरूरत है। और एक बार जब हम ईवीएम को यूज कर लेते हैं तो उसका डीएमएम, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वो निकाल के हम रख लेते हैं और ईवीएम की क्लीनिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेक हम उसको कहते हैं, और फिर उसे उपयोग लायक बना करके तब हम अगले राउंड का चुनाव करते हैं। इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो उतना गैप हमें हर चरण में देना पड़ता है। तो प्रथम चरण में हम 85 जनपद पंचायत ले रहे हैं, इसमें 6,283 ग्राम पंचायतें होंगी और मतदान केंद्र 19,998 होंगे। दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतें होंगी, 8,015 ग्राम पंचायतें होंगी और 24,840 इसमें मतदान केंद्र होंगे। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतें होंगी, 8,397 ग्राम पंचायतें ली जाएंगी और 26,560 मतदान केंद्र होंगे इसमें। कुल मिला के 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन जिलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9, दो चरण में जिन जिलों को लेंगे उनकी संख्या है 7, बाकी 36 जिलों को हम 3 चरण में लेंगे। जिन्हें एक चरण में लेंगे उनका नाम है दतिया। ये जो एक चरण, दो चरण, 3 चरण, ये हमने लगातार कलेक्टरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तय किया है कि कहाँ एक चरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करा लेगा, कहाँ 2 लगेगा, कहाँ 3 लगेगा। तो प्रथम एक चरण में होने वाले जिले हैं 9, दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। ये इससे स्पष्ट है, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जैसे इंदौर, भोपाल तो अर्बन जिले हैं, तो वहाँ पे रूरल एरिया बहुत कम है, इसलिए हम उसे एक राउंड में ले पा रहे हैं। जो दो चरणों में होंगे वो 7 जिले हैं, बुरहानपुर, जबलपुर, अगेन वेरी लार्ज अर्बन एरिया, दी रूरल एरिया इज स्मॉलर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास। बाकी के 36 जिले हम तीनों राउंड में करेंगे। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3,000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस,
सिविल लाइंस बोदाबाग रोड रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।